सिंह जी की बात से आज पता चल गया, ये 2024 की लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया कम, इस वक्त बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ज्यादा नजर आ रही है। देखिए पूजा जी, उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी पुरानी पेंशन का मुद्दा उठा रही है, अग्निवीर का मुद्दा उठा रही है, पेपर लीक का मुद्दा उठा रही है, बेरोजगार नौजवानों का मुद्दा उठा रही है, छुट्टा जानवरों का मुद्दा उठा रही है, किसानों की आय दुगनी करने का मुद्दा उठा रही है, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है, और इन सब मुद्दों का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। समाजवादी पार्टी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, इसलिए हम ये शहंशाह या शहजादे इस लड़ाई में नहीं पढ़ना चाहते भाई। ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि तेजस्वी यादव को लेकर भी कहा, एक ने देश पर, एक ने बिहार में, शहजादा जैसा। देखिए सवाल इस बात का है पूजा जी कि नेताजी और लालू प्रसाद यादव जी ने जो लड़ाई उत्तर प्रदेश और बिहार में लड़ी, जिसके बाद जो पिछड़े हैं उनको उनका हक मिला था, बराबरी का अधिकार मिला था, आज वो हक भी नहीं मिल रहा है। पिछड़ों को उनका अधिकार और हक नहीं मिल रहा, 69,000 भर्ती हुई शिक्षकों उसमें पिछड़ों का अधिकार नहीं मिला, दिल्ली में भर्ती हुई पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं मिला। जाति जनगणना की बात समाजवादी पार्टी करी, बिहार में भी जाति जनगणना। तो जो समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, हम मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं। हम तो देश के प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अपने 10 साल की उपलब्धि बताइए। लेकिन जो वार पलटवार बीजेपी लगातार या तो कांग्रेस को निशाना बना रही है या राहुल गांधी को टारगेट करती नजर आ रही है, तो कैसे ये, कहां इंडिया गठबंधन की फाइट कहां से दिख रही है फिर? नहीं, इंडिया गठबंधन देखिए, ये फाइट तो तभी नजर आ गई ना पूजा जी, जब पहले चरण के चुनाव के बाद जब ऐसा लगा कि अब इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। आप देखिए ना कि भाजपा की भाषा बदल गई, और हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि चुनाव जैसे ही नजदीक आता है भाजपा चुनाव हारने लगती है, इनकी भाषा बदल जाती है, इनका चश्मा धार्मिक हो जाता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो चश्मा है वो धार्मिक हो चुका है। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए अग्निवीर की योजना क्यों लेके आए, क्या आप इसको रद्द करेंगे? नहीं जवाब देते हैं। पेपर लीक होता है, आप अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया कि हम उसके लिए कानून बनाएंगे, लेकिन पेपर लीक तो आप रोजगार नहीं दे पाएंगे, पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये अब सरकार की जो है विफलताएं हैं, हम उन सब मुद्दों को लेके जनता के बीच में लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी। ठीक है, तीसरे चरण का ये मतदान आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी जो मुख्य जो आपकी गढ़ वाली सीटें हैं उन्हीं पर सीधा मतदान होना है, वो तो जनता देखेगी कि जनता आखिर किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट करती नजर आती है।